हाय एवरीवन, आज मैं आपसे लेके आई हूँ बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए ये हाई प्रोटीन पुलाव रेसिपी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाई प्रोटीन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस ऑन कर लें और उस पर ऐसे एक पैन रख लें, और जैसे ही पैन गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी को अच्छे से तवे पर स्प्रेड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 30 से 40 ग्राम के करीब पनीर। पनीर के आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसे दोनों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर लें। आप चाहें तो पनीर को पुलाव में बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्राई कर पुलाव में डालेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैं इसे टोंग से पलट रही हूँ और जो हमारा पनीर है वो दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे एक तरफ रख लेंगे। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही तेल या घी गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ में थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पत्ता, और इसे कुछ सेकंड के लिए आप फ्राई कर लें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटे साइज़ का प्याज, जिसे मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया था, वो इसमें डाल लेंगे और आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और नमक, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। हम यहाँ पर प्याज और मसालों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आप मसाले डालने के बाद इसे लगभग 1 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने गाजर को ऐसे बारीक ग्रेट कर लिया था, वो हम इसमें डाल लेंगे, और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और यहाँ पे मैंने आधा कप जो सोया चंक्स रहते हैं उन्हें पानी में भिगो लिया था और उसके बाद मिक्सी में ऐसे बारीक पीस लिया, वो हम इसमें डाल लेंगे और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप बासमती राइस, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और जो राइस हमारे भीगे हुए हैं वो हम इसमें डाल लेंगे। राइस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग 1 चम्मच के करीब आप इसमें गरम मसाला डाल लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारे जो राइस और वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब आप गैस की फ्लेम लो से मीडियम कर लें और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए पका लें। तो ये देखिए, 1 मिनट के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था, थोड़ा बहुत जो राइस में रह गया था, वो अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। पानी डालने के बाद भी आप इसे एक बार ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें और आप गैस की फ्लेम हाई कर लें, और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए आप इसका ढक्कन लगा लें और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने दें। तो ये देखिए, यहाँ पर राइस को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं। हमारे जो राइस है वो अभी पके नहीं है, हमने जो पनीर फ्राई कर रखा था इस स्टेज पर हम वो इसमें डालेंगे। तो आप सारा पनीर इसमें डाल लें और उसके बाद इसका ढक्कन लगा लें और इसे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने दें। तो ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं। वाव, हमारे जो राइस हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसे यहाँ पे तोड़कर दिखाती हूँ। हमारे जो राइस हैं वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब आप इसे एक बार ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आपने देखा ना, ये राइस बनाना कितना आसान है। तो चलिए अब इसे टिफ़िन बॉक्स में सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ कर्ड के साथ। आप चाहें तो इसके साथ रायता भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय।